जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है उससे दो कदम आगे कुर्सी लगाकर बैठा हूं मैं। तुम बस उतना ही जानते हो जितना हमने बता रखा है। खुदा का खौफ है वरना खेलना हमें भी आता है। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते, फिर भी हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। ये हमारा वादा रहा कि तुम्हें भागने के लिए ऐसा मैदान देंगे कि तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन मैदान खत्म नहीं होगा। भौंकना और चिल्लाना तो कुत्तों का काम है, हम तो बेइज्जती भी तमीज से करते हैं। वही करो जो अच्छा लगे, जिंदगी आपकी है किसी के बाप की नहीं। बातें ऐसी करो कि सामने वाले का दिल जीत लो, और स्माइल ऐसी दो कि जलने वालों का कलेजा चीर दो। किसी ने पूछा तुम्हारी जिंदगी में इतनी मौज कैसे है, तो ब्रो मेरे पास कमीनों की फौज है, इसीलिए तो अपनी जिंदगी में मौज है। मुझे ढूंढने की कोशिश अब ना किया कर, तुमने रास्ता बदला तो हमने मंजिल ही बदल दी। भाई बोलने का हक तो सिर्फ हमने दोस्तों को दिया है, वरना दुश्मन तो आज भी हमें बाप। मुझे मेरे घर वालों ने रिश्तों की अहमियत समझाई है जनाब, मैं गैरों को भी दिल से अपना मानता हूँ, पर जब लगता है कि लोग अपनी औकात से ज्यादा बोल जा रहे हैं तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं रिश्ता और हड्डी दोनों तोड़ना जानता हूँ। आप सही बोल रही हैं, क्योंकि आज मेरे जिगरी यार की बारात है। आपको पता है आज बारात में कोई मामूली डीजे नहीं, बल्कि सबके दिल पर राज करने वाले सुनीत म्यूजिकल मारुडीह वाले आए हैं। सच में क्या सुनीत म्यूजिकल मारुडीह वाले आए हैं? हाँ भाभी जी, सच में सुनीत म्यूजिकल मारुडीह वाले आए हैं। अगर आपके भैया गुस्सा ना करें तो मैं भी चलूं क्या आपके साथ, क्योंकि मेरा भी बहुत मन है सुनीत म्यूजिकल मारुडीह वाले को देखने का। भैया गुस्सा नहीं करेंगे आप, चलिए मेरे साथ। बस मैं दो मिनट में तैयार होकर आई, आप यही रुको। और थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि मेरे पास फोन आया था। ऑपरेटर सुनीत भाई अपनी टेस्टिंग प्रक्रिया चालू कर चुके हैं, देर किए तो सारा मजा निकल जाएगा। अब हमारे डीजे के साउंड टेस्टिंग की प्रतिक्रिया चालू होने वाली है, तो कृपया शांत रहें और दिल के मरीज कृपया डीजे से दूर हो जाएं।